नमस्कार, मैं आपके साथ दीपक भदौरिया। चले सीधे आपको जिला रायपुर, जहां पर सीएम भूपेश बघेल कोरोना को लेकर जनता को संबोधित कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार, जय जोहार, राम राम। हिंदू नववर्ष के आप सब लोग बहुत बहुत बधाई, चैत्र नवरात्रि की भी बधाई और गुड़ी पड़वा की भी आप सब लोग बहुत बहुत शुभकामना। अभी बहुत जन भाई बहनी मन है नवरात्रि के उपवास रखते। उपवास के अर्थ ही होते कि अपन जन इष्ट है उसका समीप रहना। 9 दिन आप अपन इष्ट के समीप रहियो और भारत सरकार भी और राज्य सरकार 21 दिन तक के लॉकडाउन करे हैं। तो आप लोग अपन अपन घर में रहना है, अपन इष्ट के समीप रहना है, परिवार के साथ रहना है और यही हमारे मन के सुरक्षा है। बहुत अगर गांव से सब संगवारी मन फोन करके बताते कि हमन अपन गांव में बाहर से जिन भी आते तिला बिना मेडिकल चेकअप के गांव के भीतरी नहीं आन दान। और यही सही मायने में जिन कर्फ्यू के जिन अर्थ है तिन लागू हो है, ये कानून व्यवस्था की स्थिति नो है बल्कि ये आम जनता की सुरक्षा के मामला है। और यही हमन चाहते रहे कि अपन अपन गांव में सुरक्षा करे, अपन मोहल्ला में सुरक्षा करे, शहर में सुरक्षा करे, कोनो ला घर से बाहर मत जान दा और कोनो ला बाहर के ला आदमी ला घर में आते तो कर जांच कराए बिना आन नहीं देना है। तो ये आप ला कई दिन तक करना है। जहां तक राज्य सरकार के सवाल है, राज्य सरकार 2 महीना के राशन हर राशन कार्डधारी ला मुफ्त में दे के फैसला करे है। बहुत जल्दी ये सुविधा आप मन ला मिली। कुछ संगवारी मन है तेन मन है जेकर कर खाए की व्यवस्था नहीं है, रहे की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसा स्थिति में हम सबो जिलाधीश मन ला निर्देश कर दे हैं कि ओकर मन के व्यवस्था कराए। साथ ही हम अपील कर रहे हैं बहुत सारे जिन सामाजिक संगठन है और जैसे गुरुद्वारा है और दीकर संगठन है जे मन है जेकर मन के भोजन पकाए की व्यवस्था है, लेकिन उन्हें लंगर लगा के खवाए के काम नहीं करना है। ओला पैकेट बना के कलेक्टर के माध्यम से सूचना दे के ओला वहां तक के जिन जरूरतमंद है वहां तक के पहुंचाए का आवश्यकता है। तीसरा बात मैं कहना चाहता हूं कि जे मन अब घर में है तो बहुत अकन कमी हो जाते, खाए पिए सामान की कमी हो जाते, ऐसा स्थिति में जिन रोज कमाते रोज खाते तेकर सामने स्थिति ज्यादा निर्मित होते है। वैसा स्थिति में सब कलेक्टर मल्ला हम निर्देश दे दे हैं कि जैसे भी आप ला जानकारी मिला थे फोन के माध्यम से सूचना मिला थे तो वहाँ जिन तहसीलदार है या नगर पालिका नगर निगम के जिन अधिकारी है तेकर मन के माध्यम से ओकर मन के जिन आवश्यकता है तेकर पूर्ति किया जाए, जिन भी जरूरतमंद है तेकर मन के आवश्यकता की पूर्ति हो। और ये बात के विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी आदमी भूखा मत सोए, हमारे प्रदेश में कोनो प्रकार के कोई कमी नहीं है। जैसे हमारे अभी छत्तीसगढ़ के प्रदेश की जनता जिन सहयोग दे है पूरा देश भर में उसका सराहना होते, तो ये सब आपके सहयोग से हो है। पूरा प्रशासन है तेन आपके सेवा में लगे हुए 24 घंटा 7 दिन हमारे अधिकारी मल्ला काम करना है, दिन रात सेवा में लगे है। अधिकारी कर्मचारी मन भी लगे है, डॉक्टर और स्टाफ मन लगे है, पूरा जिन तंत्र है तेन जनता के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे थे, उकर भोजन की व्यवस्था की चिंता कर रहे थे। तो वो पाए के आपके सहयोग बहुत जरूरी है। एक दूठी का खबर आ है कि कई जन मन है तेन दूसर प्रदेश में अभी यात्रा करे बरगेरी से वो मन वहां फंस गए है। तो मैं उकर मन से परिवार जन से भी निवेदन करना चाहता हूँ, जनप्रतिनिधि मन से भी निवेदन करना चाहता हूँ, जे मन जिया है वहीं रहा है और वहां के सरकार से मन बात कर ले वो आवश्यकता पड़ी तो यदि ओकर उनका पैसा सिराग है तो हम आपके माध्यम से या ओकर खाता में सीधा वहां रहे खाए व्यवस्था हमन कर देबो। लेकिन ये जिन बीमारी है तिन बाहर से आवा थे वही सब चीज ध्यान में रख के जेन मन जिया है वहीं रहा है ये व्यवस्था हमन ला करना है। तो आप सब ला बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवाहर।